हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोक पांडे और स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट स्टडी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्ट एंड लर्निंग क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। आज हम जानेंगे पार्लियामेंट किन चीजों से बनता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन पार्लियामेंट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हो सकता है अगर कमेंट बॉक्स में आता रहेगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पार्लियामेंट में जो हमारे दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इनमें लोकसभा जो होता है उसमें जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, उसकी उसको जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति हमारा, ठीक, तो वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू करता है, तो ये आपको हमें बताना है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और नहीं है तब तक आप वीडियो देखिए। तब तक बात करते हैं पार्लियामेंट की, हिंदी में बोलते हैं संसद, ठीक है। और इसके जो दो सदन होते हैं, बनता तो ये तीन लोगों से मिलके, फिलहाल देखते हैं कौन कौन है वो। देखिए पार्लियामेंट होता है आर्टिकल 79, उसके बाद आता है हमारा राज्यसभा, ठीक है, हिंदी में लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, राज्यसभा, पार्लियामेंट होगी संसद हमारी, और लोकसभा, दो इसके भाग होते हैं। तो राज्यसभा होता है हमारा आर्टिकल नंबर 80 और लोकसभा होता है हमारा आर्टिकल नंबर 81, ठीक। अब इसके कुछ बेसिक देख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट एक और से बनता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा ही होता है, आर्टिकल 52, ठीक, तीनों के हमारे। अब बात करते हैं इनके बारे में। देखिए राष्ट्रपति जो है वो तो आपको बता चुका हूंगा मैं पहले, अगर नहीं बताया है तो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा राष्ट्रपति के लिए जो हमारी पार्ट 5 में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में राष्ट्रपति है हमारा। तो चलिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, और जहां तक देखा है तो पार्ट 5 में हमारा पूरा पार्लियामेंट भी आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए लोकसभा होता है हमारा अस्थायी सदन होता है और निम्न सदन होता है, ठीक। राज्यसभा हमारा होता है क्या, स्थायी सदन होता है और होता है उच्च सदन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकसभा भंग की जा सकती है, यानी कि यह भंग हो सकता है, यह भंग किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। भाई इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो इनके मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है यानी कि कार्यकाल होता है वो कितना कितना होता है, इनका होता है 5 साल का, ठीक, 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्य का, और 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का। मिनिमम एज कितनी होती है, भाई मिनिमम एज, भाई मेंबर है तो उसकी कोई ना कोई तो मिनिमम एज होगी, तो लोकसभा के सदस्य की मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 साल। ठीक, अब बात करते हैं इसमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर होंगे 552, ठीक, और राज्यसभा में कितने होंगे, 250, ठीक। अगला देखते हैं, अब मैक्सिमम मेंबर तो होगा लेकिन ये बटे कैसे हैं। देखिए मैक्सिमम मेंबर जो हमारे राज्यसभा लोकसभा के, लोकसभा में ये बटे हुए हैं 530
प्लस 20 प्लस 2, ठीक। राज्यसभा में बैठे हुए हैं 12 प्लस 238। अब आपको बताऊंगा ये क्यों और कहां कहां से बैठे हुए। देखिए 530 जो हैं ये हमारे राज्यसभा मनोनीत होते हैं, जो 20 हैं ये दिल्ली और पांडिचेरी के सांसद होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, और ये जो दो आए ये एंग्लो इंडियंस होते हैं जिनसे मैंने रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो अभी बताता हूं, राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं ये आपके खेल कला संस्कृति आदि अलग अलग प्लेटफॉर्म से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और जो 238 होते हैं ये माननीय मेंबर्स होते हैं आपके, ओके। तो अब इसमें प्रेजेंट का देखा जाए, ये तो हो गए हमारे मैक्सिमम मेंबर्स, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं इस समय। तो प्रेजेंट में है इस समय जो लोकसभा में है वो है इस समय 545। अब ये 545 कैसे बैठे हुए हैं भाई, 545 बैठे हैं हमारे 530 प्लस 13 प्लस 2, जिसमें से 530 हमारे राज्यों से चुने गए हैं, 13 जो है वो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य हैं, और जो जो दो हैं ये हमारे हैं एंग्लो इंडियन दो हैं, ये हमारा दिल्ली एंड पुडुचेरी के हैं, और 530 हमारे सदस्य हैं, इनको बोला जाता है सांसद जो इनके सदस्य होते हैं, ठीक है। अब बचा राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर्स हैं 233, यही बनेगा जाके, ठीक है। और ये 12 जो है ये हमारे हैं किससे हैं भाई, कला से हैं, संस्कृति से हैं, खेल से हैं, ठीक है, फिल्म जगत से भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग जो हमने सबसे पहले आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा आर्टिकल के तहत ये एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल नंबर, लगता है मार्कर नहीं चल रहा है, मैं चेंज कर लेता हूं मार्कर। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है लोकसभा में, ठीक। और यही राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है। तो हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म हो गया, और एक सेकंड 81 आर्टिकल 80, ठीक। तो पार्लियामेंट का हमने एक शॉर्ट में समझ लिया कि क्या होता है। अगर पेपर पूछा जाए बस आप इतना याद रखिए, अस्थाई निम्न भिन्न, मतलब एक साइड याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाए क्योंकि लगभग कुछ कुछ सेम है। बस एज ये देख लीजिएगा, एज कितनी है मेंबर्स की, कितना टेन्योर होता है, मैक्सिमम नंबर आप देख लीजिए। और कुछ वीडियो बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पार्लियामेंट में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है हमारा उसमें क्या समानता है या क्या अंतर है, ठीक है। और ऐसे ही अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारे प्यारे चैनल पे, आपके प्यारे चैनल पे जो स्टडी का बहुत ही अच्छा चैनल है, आर एल लर्निंग क्लासेस पे।